Question है, find acceleration of each block and friction between blocks. Acceleration और friction हमें निकालना है, क्या होगा? तो इसमें हम मान लेते हैं fx max की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, न्यू इंटू एन, न्यू है 0.5, एन हमारे पास 120, तो 60 न्यूटन का क्या आ जाएगा fx max, ओनली 12 kg पे ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो इस केस में हम मान लेते हैं कि दोनों ब्लॉक क्या चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, दोनों ब्लॉक क्या चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच क्या है हमारे पास, फ्रिक्शन दे रखा है, दोनों के बीच क्या दे रखा है, ये फ्रिक्शन इसने दे रखा, स्मूथ सरफेस नहीं दे रखा, न्यू दे रखा है 0.5 का। तो इसके इसमें अगर दोनों को एक साथ चलाएंगे तभी दोनों के बीच क्या होगा, घर्षण नहीं होगा। ग्राउंड का केस और ये केस दोनों क्या है, अलग अलग है, ग्राउंड का केस और ये क्या है, दोनों अलग अलग है। तो एक्सेलरेशन अगर निकाले तो 60 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, 20, तो 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का क्या आएगा एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन, सेकंड स्क्वायर का क्या आ रहा है इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, ओके। तो इसको हमें क्या करना है, पूरे को एक सिस्टम मान के हम इसको कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, ऊपर वाले पे आगे की तरफ लगेगा तभी ये इसको फ्रिक्शन फोर्स। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगेगा जितने की जरूरत होगी, उतना ही लगेगा जितने की जरूरत होगी, ये नहीं है कि हम fx में 60 न्यूटन तो 60 का 60 ही लगेगा, यही जितना ही लगेगा जितने की जरूरत होगी। ग्राउंड के केस में फ्रिक्शन फोर्स रोकने का काम करता है, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या करा रहा है, ब्लॉक को चलाने का काम कर रहा है। तो दोनों केस क्या है, अलग है। अब इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, पीछे की तरफ, और वो कितना लगेगा, 3 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है तो 24 न्यूटन का। इसमें देखें तो 12 × 3 36 न्यूटन का लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 36 न्यूटन का, और इसमें भी क्या लग जाएगा हमारे पास 36 न्यूटन का। तो अब 12 केजी का अगर एक्सेलरेशन निकाले तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 डिवाइड बाय में 12 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन होगा। और 8 केजी पे देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 पीछे 60 आगे है, तो 24 आ जाएगा, और डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा हमारे पास 8, तो ये कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो दोनों पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। इसमें fx max 60 था, ये नहीं है कि इस पे 60 ही लग जाएगा, उतना ही लगेगा जितने की जरूरत है, एक्सेलरेशन 3 के तो 36 न्यूटन पीछे की तरफ इस पे और ऊपर वाले पे आगे की तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक को आगे की तरफ चलाने की कोशिश करेगा और ये वाला फ्रिक्शन फोर्स इसको पीछे की तरफ लगा के इसको दोनों को साथ चलाने की कोशिश करेगा। अगर आप नीचे वाले पे फोर्स लगा रहे हो तो उस केस में क्या होगा, दोनों एक साथ ही चलेंगे, स्मूथ सरफेस है नीचे वाला, ये हमारे पास क्या स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे अगर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखे हुए, एक पे आप फोर्स लगा रहे हो तो वो दोनों क्या चलेंगे, साथ ही चलेंगे, अगर दोनों का फोर्स क्या है सेम आ रहा है, ओके। दिस इज द क्वेश्चन। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 36 न्यूटन लगेगा दोनों के बीच, तो एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों में और फ्रिक्शन फोर्स 36 न्यूटन।